अपने कर्म कलाप में यह जो मेरे सम्मुख विकट अवस्था सामने आन खड़ी हुई है, इसमें इस संग्राम में मुझे कोई भी लाभ नहीं दिखाई देता है। कल हमने कहा था अपनी अवस्था ले, सामने नाती गोती हो और कहे पे इनका हनन कर दे, इनको मार दो, कांप उठेगा। अब अगर वह शूर वीर के हाथ से गांडिव धनुष खिसक गया, यह स्वाभाविक है, मेरी त्वचा भी जल रही है विचार करने से ही। जिस प्रकार करुणा भाव से गाय के स्तनों में अपना बछड़ा देख के दूध अपने आप आ जाता है और अपने जनों का हरण हनन सोच के उसकी त्वचा जलने लगी, जेठाड़ की धूप में जैसे नहीं खड़ा जा सकता, ये आंतरिक भाव। कोई ऐसी बात सुन ले सन रह जाता है मानव, उसे नहीं समझ आता मैं क्या करूं, अनहोनी सुन ले। ये हमारे साथ अपने जीवन काल में बीतता है। जिस प्रकार त्वचा जल रही है, शरीर वही है, टेम्परेचर बुखार चढ़ जावे 104.5, अपने ही टांगों पे नहीं खड़ा जा सकता, कांपता है मानव, आंतरिक अवस्था बदली है, बस स्वस्थ अर्जुन में ये अवस्था उत्पन्न हो गई। अब वही हाथ है, एक कोई रोग ग्रस्त हो गया है, अपनी टांगों पे नहीं खड़ा हो पा रहा, स्वयं चला नहीं जा रहा, हाथों से कोई चीज नहीं उठाई जा रही, बस यही तो दशा अर्जुन की हो गई। मेरा मस्तक, मेरा मन चक्कर सा खा रहा है, इतना शिथिल हो जावेगा, धनुष बाण को फेंककर रथ के पिछले भाग पर अचेत बैठ जावेगा। ये मानसिक की अवस्था। मुझे इस संग्राम में कोई भी लाभ नहीं दिखाई देता है। अब भगवान कृष्ण जो आगे वर्णन करेंगे, आरंभ हमने इस प्रसंग से किया, उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति कैदियों के लिए ठंडे पानी का प्रबंध कर देता है, एक उसमें शरबत मीठा मिले ये कर दिया, एक ने अच्छा भोजन मिले उनको भी स्वादिष्ट भोजन मिले, क्योंकि ये नियम है अगर कोई निषिद्ध कर्म करने पर राजा उसका दंड दे देवे तो वह उन कर्मों से निर्लेप हो जाता है, उसके कर्म बंधन नहीं बना करते, क्योंकि जो किया उसका दंड प्राप्त हो गया। अब एक ही बुरे कर्म की दो बार सजा नहीं हुआ करती, एक बार सजा भुगत ली जावे तो वह उन दोषों से मुक्त हो जाता है। यह नियम के अंतर्गत है, कर्मों की थ्योरी है यह। तो उनके भाव में आया ये कर्म भोग रहे हैं कि इनको अच्छे से खाना भी मिले, भोजन मिले, अच्छा प्रबंध कर दिया, सर्दी ना लगे इनको गर्म वस्त्र दे दिए जावे उसका भी प्रबंध कर दिया, परंतु रहे तो वो कैदी ना, श्रेणी में अंतर आ गया,
सी श्रेणी से ए श्रेणी में हो गए, वस्त्र अच्छे मिल गए, खान पान को अच्छा मिल गया, पीने को अच्छा मिल गया, वहां पर सोने के लिए वह बिस्तर अच्छा मिल गया, परंतु रहे तो वे कैदी ना। और जिसने ये ज्ञान दिया है उसके पास उस कैदी को आजाद करने की कुंजी है। उसने आया, वह कैद खाना खोला और उसको आजाद कर दिया। तो सबसे बड़ा दानवीर कौन होया? जिसके पास वह कैद खाने से बाहर करने की कुंजी है, और वह कुंजी भगवान कृष्ण के पास है। तू फंसा हुआ है इन बातों में, मैं तेरी आत्मा को इस धरती पर जो तू कैद खाने में बंद है उससे छुड़ाने आया हूं। इसके लिए अब तुझे क्या करना उचित अथवा अनुचित है इसका तुझे पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब जो पंथिक बातें हैं अथवा जो धर्म का सत स्वरूप है उसको तुझे जानना होगा। उसके लिए रामायण हम बहुत पाठ करते हैं। राघव जीवन जीवन में जब जो जन धार रहे दिन राती। राघव जी का जीवन, रघुनाथ जी का जीवन, इनको धारण कर लेना। यही भगवान कृष्ण यहां कहेंगे और स्वयं कहा है धर्म धनुर्धारियों में रामचंद्र मैं हूं। राघव जीवन जीवन में जब राघव का जीवन मानव अपने जीवन में जो धारण कर लेगा दिन और रात्रि सदैव आठों पहर साख जमे जनता जन में तस प्रीति परा उसमें जग जाती। क्या होगा अब दीख पड़े दमशील सदा वे दुख हरे पर होकर दानी। लाभ क्या होगा? मोक्ष मिले मन मैल मिटे मति हो विमला सरला शुचि सारी मोक्ष मिले। यहां पर अब जो भगवान कृष्ण का ज्ञान होगा अर्जुन को जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी वह ज्ञान होगा। अब हमारी बुद्धि के अनुसार क्या उचित अथवा अनुचित है इसकी गहराई में और अध्ययन करना पड़ेगा। रघुनाथ जी का जीवन, जब भारत पर दुख के बादल छाए हुए थे, अब अर्जुन ने कह दिया है युद्ध में अपने जनों को मारकर मैं कल्याण कुछ भी नहीं देखता हूं। अब यहां पर एक तरफ तो कह रहा है अपने जनों को मारकर, और आगे चलकर कह देगा या इन आतताइयों को मारकर। अब यहां पर मन में क्या वह आतताई है अथवा अपने हैं, यहां पर साधक के लिए बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। परंतु हमारे धर्म ग्रंथ परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी, हिंदू मां की गोद में जन्म लिया, गीता और रामायण का पाठ नहीं किया तो क्या किया? और पाठ इसके सार को नहीं समझा तो ऐ जन्म अकारत खोया। जब तक
इसकी गहराई को नहीं समझा जाएगा। एक तरफ तो कहा रघुनाथ जी का जीवन चरित्र अपने में बसा लेने से मोक्ष मिले, उन्होंने क्या किया, जहां पर तो अपने थे, स्वजन थे, पूर्ण त्याग किया, यहां तक कि राजपाट सब कुछ उसका त्याग किया, परंतु साथ में पहला कर्तव्य कर्म जो था पारिवारिक बहु प्रेम बढ़ाना, वह उन्होंने किया। उनका जीवन अपने में उतारना है। अभी एक छोटा सा यह दृष्टांत है, जब अधर्म बढ़ गया, धर्म की रक्षा के लिए उस समय रघुनाथ जी ने हाथ में कृपाण ले शस्त्र भी उठाया है। शूरवीर सुधीर नर ने समर रचना कर बड़ी, असुर तन भू पर लगाए, असुर तन भू पर लगाए, वान वर्षण की झड़ी, बाहर किए आताई, देश सेवा साध ली। अब एक ही समय में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, बचपन से माता पिता से गुरुजनों से सुनते आए हैं, झूठ बोलना पाप है, सच बोलना धर्म है। अब कहां पर सच नहीं बोला जा सकता, कहां पर सच नहीं बोला जा सकता, 92-95 वर्ष की आयु में पिता है, 65 वर्ष का पुत्र है। अब पिता को इतनी सुध बुध नहीं, उठा उसे जाता नहीं, हिला उसे जाता नहीं। 65, ये लुधियाना की सच्ची घटना है, सच्ची घटना है ये लुधियाना।